अनोखी और हैरान कर देने वाली खबरों की शुरुआत करते हैं असम में हुए नाव हादसे की खबर के साथ। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भीषण नाव हादसा हो गया। जोरहाट जिले में नीमती घाट के पास यात्रियों से भरी दो नाव में टक्कर हो गई। इस हादसे में कई लोगों के लापता होने की खबर है। SDRF और NDRF के जवानों ने रेस्क्यू में कई लोगों को बचा लिया। बताया जा रहा है कि दोनों नाव में करीब 120 यात्री सवार थे। एक नाव माजुली से नीमती घाट की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी इसकी उल्टी दिशा में जा रही थी। दोनों के बीच आमने सामने से टक्कर हुई थी, जिसके बाद नावें पलट गईं। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, असम में नाव दुर्घटना से दुखी हूँ। यात्रियों को बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने नाव हादसे पर दुख जताते हुए माजुली और जोरहाट जिला प्रशासन को NDRF और SDRF की मदद से बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए। दूसरी खबर राजस्थान के जालौर से है। यमुना एक्सप्रेसवे के अलावा एक और हाईवे पर भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है। युद्ध या किसी आपातकाल के मौके पर इस हाईवे का इस्तेमाल बतौर हवाई पट्टी किया जा सकेगा। राजस्थान के जालौर जिले में भारतमाला परियोजना के तहत बने हाईवे पर आज सुखोई सरीखे फाइटर प्लेन की लैंडिंग कराई गई। भारत पाकिस्तान सरहद के पास से गुजरने वाले हाईवे पर जालौर जिले के चितलवाना इलाके में रनवे तैयार किया गया है। इस हाईवे के रनवे पर फाइटर प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ कराया गया। भारतमाला परियोजना के तहत बने हाईवे पर फाइटर प्लेन रनवे का उद्घाटन किया जाना है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्र मंत्री नितिन गडकरी शिरकत करेंगे। इससे पहले एयरफोर्स के दो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई गई थी। युद्ध और आपात स्थिति में फाइटर प्लेन को हाईवे पर उतारकर वायुसेना कुछ ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकती है। इसी के तहत रक्षा मंत्रालय और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इस योजना पर काम शुरू किया है। तीसरी खबर गुजरात से है। गुजरात में शराबबंदी है, ये तो सबको पता है, लेकिन गुजरात में शराब अवैध रूप से धड़ल्ले से बिकती है, ये भी सभी जानते हैं। गुजरात में अंग्रेजी शराब भले ही नहीं बनती हो, लेकिन शराब माफिया शराब पीने वालों के लिए दूसरे राज्यों से तस्करी कर खूब शराब लाते हैं। एक ऐसे ही मामले का भंडाफोड़ सूरत क्राइम ब्रांच ने किया है। शराब तस्करों की तरकीब देखकर खुद पुलिस भी चकरा गई और दो लग्जूरियस कारों में गुप्त तहखाने खोजने के लिए मैकेनिक तक की मदद लेनी पड़ी। सूरत क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़े गए शराब तस्करों की तरकीब देखकर खुद सूरत क्राइम ब्रांच के अधिकारी सन्न रह गए। सूरत क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़े गए तीन शराब तस्करों में विकास, हाबित और फाल्गुन प्रजापति हैं। जानकारी मिली थी कि ये तीनों लोग गोवा से इनोवा कार और XUV कार में बड़ी तादाद में शराब की बोतलें भरकर सूरत में लाने वाले हैं। इसी जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमों ने सूरत के सचिन इलाके में इन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया था। जैसे ही ये तीनों अपनी दोनों कारों को लेकर निकले, वैसे ही पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। दोनों कारों से बरामद शराब की कीमत करीब 5 लाख रुपए है। XUV और इनोवा कार समेत कुल 26 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। न्यूज़ तक ब्यूरो।